नमस्कार दोस्तों, मेनुका किचन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कमल ककड़ी यानी कि नांद्रू की सब्जी की रेसिपी बताने जा रही हूँ। जम्मू में इसको नांद्रू के नाम से जानते हैं और यहाँ पे हिमाचल में इसको कमल ककड़ी बोलते हैं। इसका चिप्स भी बहुत टेस्टी बनता है और इसका सूखी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनता है। पर आज मैं आप लोगों को इसकी मदरा की रेसिपी बताने जा रही हूँ। मदरा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। मदरा बनाने के लिए आपने आधी किलो कमल ककड़ी लेना है। इसको आपने चाकू से अच्छे से छीलना है, यानी कि आपने इसका पिल्लर से इसका छिलका नहीं निकालना है। आपने चाकू की सहायता से इसके जो ऊपर का छिलका है आपने इसको निकाल देना है। इसका छिलका उतारने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से दो तीन पानी धोना है और आपने इसको मंचा आकार में काटना है। ये देखिए, इसको अच्छे से धो के मैंने इसको तिरछा काट लिया है। अब इसको आपने डीप फ्राई करना है। ये देखिए, कमल ककड़ी को मैंने डीप फ्राई कर लिया है, पर आपने डीप फ्राई में इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब हम मदरा बनाते हैं। मदरा के लिए आपने पौना कटोरा दही लेना है, आधी कटोरी सरसों का तेल लेना है या फिर आप रिफाइंड ले सकते हैं, एक छोटी चम्मच साबुत जीरा है, एक बड़ी चम्मच जीरा धनिया का पाउडर है, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, एक छोटी चम्मच तीखा लाल मिर्च पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी लेना है, एक कटोरी कटे हुए टमाटर लेना है, नमक स्वाद अनुसार लेना है, एक बड़ी चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक लेना है, दो बड़ी इलायची को आपने हल्का सा कूटना है, दो तेज़पत्ता लेना है। ग्रेवी के लिए आपने एक मग पानी लेना है, पानी आपने आवश्यकता अनुसार लेना है। गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें आपने सरसों का तेल डालना है। तेल गर्म हो गया है, अब आपने जीरा डालना है, बड़ी इलायची डालना है। इन सबको आपने 15 सेकेंड तक फ्राई करना है। 15 सेकेंड हो गया है, अब आपने इसमें तेज़पत्ता डालना है और आपने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो करना है। तेज़पत्ता डालने के बाद आपने गैस के फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखना है। हल्दी डालें, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जीरा धनिया का पाउडर, इन सब को डाल के आपने इसको कम से कम 5 सेकेंड तक फ्राई करना है। 5 सेकेंड हो गया है, अब आपने इसमें ये कद्दूकस किया हुआ अदरक डालना है, साथ में आपने ये टमाटर भी डालना है। इन सबको डाल के अच्छे से मिक्स करें। इस टमाटर को आपने तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़े। आपने इस टमाटर को चिकनाई छोड़ने तक पकाना है। गैस के फ्लेम को तेज़ कर दें। ये देखिए, टमाटर गल भी गया है और ये जो टमाटर के ग्रेवी है ये तेल छोड़ रहा है। अब इसमें आपने ये नमक डालना है। नमक डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे ही नमक डालेंगे आपने गैस के फ्लेम को तेज़ करना है, तेज़ी रखना है इसको। इसके बाद आपने ये दही डालना है और आपने इसको हिलाते हुए इसका ग्रेवी तैयार करना है, क्योंकि जैसे ही आप इसको चलाना छोड़ देंगे तो दही फट जाएगा। आपने इसको फुल आंच में इस दही का ग्रेवी तैयार करना है। आपने दही को तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़े, यानी कि आपका जो ये दही है ये तेल छोड़ने लगेगा। ये देखिए, दही की ग्रेवी बनके तैयार हो गया है और ये देखिए ये तेल भी छोड़ रहा है। अब इस ग्रेवी में आपने ये फ्राई किया हुआ कमल डंडी या फिर कमल ककड़ी डाल देना है। ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से चलाना है और इसको आपने मीडियम आंच में 5 मिनट तक पकाना है। ये देखिए, 5 मिनट हो गया है। अब इसमें आपने ग्रेवी के लिए पानी डालना है। आधी मग पानी और डाले, टोटल मैंने इसमें 1.5 मग पानी डाली हूँ। पानी डालने के बाद आपने इसको खूब अच्छे से मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ये कटे हुए हरी मिर्च डाले
आप इसमें एक उबाल आने दें। ये देखिए इसमें एक उबाल आ गया है। अब आपने इसको स्लो आंच में 10 मिनट तक पकाना है। ये देखिए दोस्तों 10 मिनट हो गया और ये कमल ककड़ी की मदरा बनके तैयार हो गया है। दोस्तों ये दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी भी होता है। दोस्तों आप इसको घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको इसका स्वाद का पता नहीं चलेगा। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। अब प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों कमल ककड़ी की मदरा बनके तैयार हो गया। इस मदरा को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। जो डीप फ्राई पसंद नहीं करते हैं वो इस कमल ककड़ी को बॉयल भी करके इसकी मदरा बना सकते हैं या फिर इसकी रस्सेदार सब्जी भी बना सकते हैं। दोस्तों इस मदरा को आप गरम गरम चावल रोटी किसी के साथ भी खाइए। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा आप अपना अनुभव मुझसे शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।